वश्ली वला तकफ़ुर सद अल्लाजीम अल्लास सैदिनकरम वाल वसहबही वबारिक वसलम असलात वसलाम़या सैद या रसूलल्ला वला आलिका वह क्या हबीबल्ला हम दो सलाद के बाद इंसान के साथ जो रूहानी मसायल होते हैं जो उसके दिल की दुनिया को बर्बाद करते हैं और उसके बातिन को उजाड़ देते हैं उनमें से एक बड़ा मसला एक बड़ी बीमारी निसीान खालिक है अल्लाह तबार व वाल को भूल जाना उसकी याद से गाफिल हो जाना निशान ख़ालिक का मतलब है कि अल्लाह की इतात और फरमा बरदारी को तर्क करना हक़ अल्लाह को फरामोश करना अल्लाह की याद से गफलत बरतना उसके जिक्र को भूल जाना दुआओं के साथ ज़्यादा दिलचस्पी ना रखना माजल्ला ये वो सारी चीज़ें हैं इसका मतलब है कि निस्याने खाली कर दिया इसने मखलूक को तो इसने याद रखा लेकिन अल्लाह तबारक का बताल की याद से उसके तज़करे से ये गाफ़िल हो गया जब इंसान रब को याद करता है ना और अपने मालिक का तस्करा करता है तो उसे नसीब क्या होता है फरमा फ़ज कुरूनी तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा मैं तुम्हारा तस्करा करूँगा हज़रत अब्दुल्लबिन अब्बास इरशाद फरमाया करते कि अल्लाह तबारक का वताल इर्शाद फरमाता है कि तुम फर्मा बरदारी करके मुझे याद करो और मैं अपनी इमदाद के साथ तुम्हें याद करूँगा तुम अल्लाह तबारा का वताल याद अगर तन्हाई में करोगे तो रब करीम भी तुम्हें तन्हाई में याद करेगा और अगर तुम जमात में उसका जिक्र करोगे तो वो इससे बेहतर जमात में तुम्हारा जिक्र करेगा हज़र सदर अल्लाह फाजल फरमाया करते थे जिक्र की तीन किस्में एक तो जिक्र लिसानी है अपनी ज़ुबान से हर वक्त अपने मालिक को याद करना अच्छी चीज़ देखी तो माशा नमत मिली तो अलहमदल्ह कोई मुसीबत आ गई तो इन्ना ला है व इन्ना इले राज हर वक़्त हर जगह खाना खाने से पहले दुआ खाना खाने के बाद दुआ नींद से पहले दुआ उठते ही दुआ हर वक़्त अल्लाह की याद जिक्र लसानी है और एक है ज़िक्र कलबी दिल से अल्लाह को याद करना हमारे ऊपर रब तमतें हैं जो बग़ैर हमें मुशक्कत के मिली हैं उनका एहसास करना ये ज़िक्र कलबी है मालिक करीम ने बहुत सारी गलतियों के बावजूद जो हमें सज़ा नहीं दी इसका एहसास पैदा करना ये जिक्र कल है अल्लाह की नहमतों में गौर करना अल्लाह की निशानियों में गौर करना ये ज़िक्र कल भी और ज़िक्र बिल जवारे, ये जिक्र है कि इंसान के आज़ा अल्लाह के अल्ला इतात में मशगूल हों वो हज करे वो नमाज पढ़े वो इबादत करे वो सफ़र करे वो दीन की खिदमत करे तीनों तरीक़ों से अपने को याद करे लेकिन कभी अल्लाह की याद से गाफिल ना हो हमारा अब ये हाल हो गया है कि मुसीबत में भी अब यादें खुदा हमको नहीं आती दुआ मुंह से ना निकली बस जेबों से अर्जियाँ ही निकली हम देखते हैं इतने मेरे ताल्लुक हैं इतने मेरे वबस्तगान हैं इतना मेरा लोगों के साथ उठना बैठना है मेरी मुश्किल हल हो जाएंगी हमें अल्लाह तबारक वाली की तरफ अपना रुजू करना चाहिए हमें अपने रब को याद करना चाहिए हर वक़्त अपने मालिक का तस्करा हमारी ज़ुबानों पर होना चाहिए हमें हर वक़्त भरोसा अपने रब करीम पर करना चाहिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ने उन लोगों का भी तस्करा किया है जिन्होंने खाया अल्लाह का पर अल्लाह को भुला दिया रहे रब की ज़मीन पर पर रब को भुला दिया जिन्होंने माज़ अल्लाह अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल किया पर अल्लाह को भुला दिया रब ने औलाद दी दौलत दी जायदाद दी इज़्ज़त दी वक़ार दी सांसें दिए अल्लाह तबारक व ताली ने दुनिया की हर नेमत से नवाजा पर वो अल्लाह को ही भुला गए उस खालिक की याद ही छोड़ गए उसका तजकर ही छोड़ गए तो अल्लाह करीम ने फरमाया वाला तो कल नसुल्ला फाह हम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया उनकी तरह ना हो जाना जो अल्लाह को भुला बैठे फरमाया फ अनसाह हूँ फिर अल्लाह ने उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया फिर वो खो गए गर्क हो गए दुनिया के झमेलों में उलझ के रह गए दुनिया के मामलों फ अनसाह अनफुसाह ने उन्हें उनका अपना आप भी वो खुदा फरामोश होते होते खुद फरामोश हो गए खो गए लौट के आने का रास्ता ही ना मिला इतने दुनिया के अंदर मस्त हुए कि अल्लाक मुतकासुरहतमुलमकबर इतने गाफिल हुए दुनिया तलाश करते करते कि कब्रों का मुंह देख लिया उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया फिर अल्लाह ने उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया उलाई कौमल फासिकून रफरमाते हैं यही तो लोग हैं जो नाफरमान है यही तो फासिक है नेकी कि हम पर कोई दोष कर दे उसके शुक्रिया अदा ना करें बिगड़ जाता है माँ बाप कई जगहों पर अपना एहसान बतला के कहते हैं कि तू मेरी फरमा बर्दारी क्यों नहीं करता उसा अपने हकूक़ की बात करते हैं हमारे बड़े अपने हकूक़ का तस्करा करते हैं सबसे बड़ा एहसान करने वाले तो अल्लाह रसूल हैं लेकिन हमने रब रसूल को ही भुला दिया महीनों बीत जाते हैं इबादत किए हुए माज़ल्ला महीनों बीत जाते हैं तिलावत किए हुए उसकी बारगाह में हाथ नहीं उठाए दुआ के लिए इस्तार नहीं किया मेरे नबी पाक सल अल्लाह तसम नि नरशाद फरमाया आप जरा इन लफ्जों का जलाल देखें इनके अंदर जो तंबी है उस तंबी को देखें इमाम तबरानी लिखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु सल्लाम ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह तबारक वताल इर्शाद फरमाता है इब्ने आदम बेशक जब तू मुझे याद करता है तो तू मेरा शुक्र अदा करता है और जब तू मुझे भूल जाता है तो फिर तू मेरा इनकार करता है फिर तू इनकार करता है अपने रब का जब तू भूल जाता है ऐसा न करना कभी भी अपने मालिक को न बुलाना जो दम गाफिल सो दम काफिर सानू तर्शद एहो पढ़ाया उसकी याद से इख तरब ना से हिसाब हम वहम फ़ी मोरी दून अल्लाह फरमाते लोगों के तो हिसाब का वक्त करीब आ गया वो अभी भी गाफिल होके फिर रहे हैं निशान खाली कभी ना करें अपने रब को कभी न भूलें उसकी याद हो उसका तज़क़रा हो उसका नाम लिया जाए उसके लिए तस्बीह पड़ी जाए उसकी बारगाह में सजदे किए जाएं, अपने मालिक की बारगाह में बार बार पेश हो के कहा जाए तू ही हमारा रब है तू ही हमारा मालिक है तू ही हमें माफ़ करने वाला है तू ही दरगुजर करने वाला है उसकी बारगाह से आफियत का सवाल किया जाए अल्लाह मेरे नबी क़रीम करीम्सम की सारी उम्मत को अपनी याद की तोफ़ी दे और अल्लाह ताली हम सब को गफलत से महफूज करे आखिर दावा यह अनिलहमदिल्ल रब